एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ओके, अभी बज रहा है 9:15। मैंने मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं कल ली थी वही मैंने ली है, बट आज थोड़ा गर्म करके मैं उसको ली थी। वो सारी मैंने जो भी आपको ड्रिंक में दिखाई थी मॉर्निंग में, उसमें मैंने जीरा, सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन और क्या बोलते उसको, दालचीनी, हाँ, तो ये सब मैंने डाल के थोड़ा 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 सा सब मिक्स करके एक अच्छे से ना डिटॉक्स ड्रिंक बना दिया था। बहुत अच्छा रहता है वो। अगर आप ये क्या बोलते उसको, दालचीनी ना, उसका एक बाहर ना एक पाउडर आता है, अगर घर पे भी आप बना सकते हो उसको। यार मेरे को थोड़ा सा ना वो एलर्जी करता है अगर मैं वो पूरा ऐसे लूँ। एक टाइम पे मैं लेती थी, बेली फैट के लिए बहुत अच्छा है अगर आप ले सकते हो तो, ठीक है। मैं पूरा मतलब देखूंगी, ट्राई करूंगी। मेरे को एक टाइम पे उससे एलर्जी हो रही थी इसलिए मैं ट्राई नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, मैं ले रही हूँ मूसली और मेरी वन ऑफ फेवरेट ब्रेकफास्ट, मतलब लगता है मेरे को, सच बता रही हूँ, मतलब खा लो और बस बढ़िया है। और ये बहुत अच्छी है। आप एक पैकेट लेके रख ले घर में, हफ्ते में दो बार खा लो, हर रोज भी खा सकते हो, लेकिन मतलब जैसे आपको लगे कि आज भाई, अगर कभी ऐसा होता है कि सॉल्ट फ्री डे करे तो आप ये खा सकते हो मॉर्निंग में, है ना। कईयों को होता है कि अरे मैं सॉल्ट फ्री डे तो कर लूँगी पर मैं फिर खाऊंगी क्या, होता है ना। तो मॉर्निंग में आप ये मूसलीज मतलब ले सकते हो सॉल्ट फ्री डे में, फिर आफ्टरनून में स्मूदी बना लो वो खा लो, फिर नाइट में, मतलब आपको वैसे ही सॉल्ट नहीं लेना है तो उस हिसाब से चीज़ें लेकरनी रहेगी, ठीक है। अगर आप करते हो, मैं तो नहीं करती, ज़्यादातर मैं नहीं करती। और अभी मेरा वैसे भी एवरी मंडे मेरा फास्टिंग रहेगा सावन का, तो एक हिसाब से सॉल्ट फ्री डे ही हो जाएगा, कुछ खाना नहीं रहेगा सॉल्ट का उसमें। नाइस, ये काफी हैवी होता है पता है। जो मैं मूसलीज लेती हूँ मैं देख के लेती हूँ जिसमें ओट्स हो ज्यादा और नट्स हो, तो मैं जो भी मूसलीज लेती हूँ ना वो ओट्स वाली लेती हूँ। अगर आप देखोगे, देखेगा नहीं पता यहाँ साइड साइड में, तो ये ओट्स वाला है। कई वीट वाली भी होती है, बट देख के आपको लेना है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। तो मैं कर लेती हूँ मेरा लंच ब्रेकफास्ट, आपसे मिलते थोड़ी देर में, बाय। सो ही एवरीवन, सो अभी बज रहे 11:30 और मैं पी रही हूँ मेरा, अभी ना मैं मिल्क टी पी रही हूँ। तो इतना सा पता, मन कर रहा था क्योंकि सुबह मैंने पीनी हूँ और दिन में दो बार मेरे को चाहिए। तो इसमें मैं शुगर नहीं डाली, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया जब से मैं इंटरमीटिंग फास्टिंग कर रही हूँ। मैं इनफैक्ट शुगर वाली जो टी है मैं घर पे अगर बना रही हूँ तो मैं शुगर नहीं डालती उसमें, मैं जैगरी पाउडर डालती हूँ। तो इस तरह से ना छोटी छोटी चेंजेस हम ला सकते हैं कि जो मतलब होता है ना चाय, मतलब मैक्सिमम लोग पीते ही होंगे जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग वो चाय पीते ही होंगे। तो अगर आप शुगर की चाय पीते हो ना उसको छोड़ के गुड़ की चाय पी ले, गुड़ डाले, गुड़ हार्मफुल बिल्कुल नहीं होता है। आपको थोड़ा थोड़ा तो देखो स्वीट्स लेना ज़रूरी है, अदरवाइज बीपी लो के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा शुगर लाइफ में लेना मतलब ज़रूरी, इस तरह मतलब गुड़ वाला शुगर हम ले सकते हैं और फ्रूट्स में शुगर ले सकते हैं, मतलब इस तरह से शुगर लें तो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वो अच्छा ही होता है, ठीक है। तो अभी पी रही हूँ मैं मेरी चाय, तो मैं मिलूँगी आपको मेरे लंच में, बाय।
Adi. Hi. तुझे छोड़ के मुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। और अच्छा और गाओगे? हाँ मैं निकला गाता, मैं निकला कदी ले के लाटे में मोल आया छोड़ आया। ओहो वाह वाह वाह। और आप बताओ, और आपको कौन सा आता है? पल दे जाना नहीं मुझे छोड़ के मेरा बच्चा। जब मैं बाग बॉल बॉल आता पर थोड़ी छोड़। हाय सो अभी मैं पी रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर का पानी। देख लो वैसे इसको ना स्ट्रॉ के साथ पीना रहता है, बट अभी थोड़ा जल्दी जल्दी, और मैं ना 4 बजे पी रही हूँ, 2:30 बजे मैंने लंच किया था, तो उसके आधे घंटे के बाद भी पी सकते हो, 1 घंटे के बाद भी पी सकते हो, मैक्सिमम आधे घंटे के बाद, तुरंत नहीं पीना। तो मेरा थोड़ा सा डिले हो गया, अभी पी रही हूँ। हर रोज़ नहीं पीती मैं, आज काफ़ी दिन के बाद मैं पी रही हूँ। ये ना सब एक तो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, जिसके खास करना यार PCOD PCOS होता है उसको ये बहुत अच्छा होगा। मेरे को नहीं है टचवुड। दूसरा ये इंच लॉस के लिए बहुत अच्छा है, मैंने ये लास्ट टाइम ट्राई की हूँ, मैं अभी भी कोशिश करूँगी आफ्टर माई पीरियड्स, क्योंकि पीरियड्स के आसपास पीरियड्स के टाइम नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपका फ्लो ज़्यादा हो सकता है। तो अभी मैं 1-2 दिन पीऊँगी, उसके बाद पीऊँगी जब मेरे को पीरियड्स हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। और ये लिटरली बता रही हूँ, ये और एक ब्लैक कॉफ़ी इंच लॉस के लिए बहुत अच्छी है। वेट लॉस के साथ साथ इंच लॉस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ मेरे को लास्ट टाइम इंच लॉस बहुत बढ़िया हो रहे थे क्योंकि मैं उस टाइम ने यार ब्लैक कॉफ़ी और इसको ले रही थी, तो मेरे को फिर से ये स्टार्ट करना है। पीने में भी मेरे को ख़राब नहीं लगता क्योंकि आदत हो गया है, वैसे स्ट्रॉ के साथ ही पीना चाहिए, बट अभी जल्दी जल्दी में मैं अभी ऐसे ही पी लूँ। इसको ज़्यादा नहीं लेना, एक ढक्कन जो इसका ढक्कन होता है बॉटल का ढक्कन वो ले सकते हो, वैसे मेजरमेंट अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक टीस्पून नहीं टेबलस्पून जो होता है जिससे हम खाना खाते हैं वो 1 चम्मच आप ले सकते हो, मतलब अगर आपके पीने में नहीं होता तो वो 1 चम्मच 1 ग्लास ले लो, अगर पीने में होता है तो 2 चम्मच भी ले सकते। अब मेरे को आइडिया हो गया तो मैं ऐसी डाल देती हूँ। बिना आराम आराम से पानी बहुत ज़्यादा पिए, अभी बरसात का टाइम है, ठंडा में ना पता है हम लोग को प्यास नहीं लगती है, ठंडा तो क्या ही, कहीं कहीं ठंडा हो रहा होगा, मतलब जैसे कंटिन्यू जैसे बरसात होती है, तो यहाँ पे साउथ में ऐसा है कि अगर यहाँ बरसात हो रही है तो यहाँ थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो इसीलिए पानी मैं, और एक और चीज़ मैं आजकल पता है क्या कर रही हूँ, मैं ना पानी बॉटल इसमें कहीं पे भी नहीं रख रही हूँ, तो मैं ग्लास से ही, मतलब जाऊंगी किचन में ग्लास से ही पानी लेकर आऊंगी, उससे एक तो आपका मूवमेंट होता रहता है, दूसरी चीज़ ये कि आपको समझेगा कि आप कितने ग्लास पी रहे हो, तो आपको 8 से 10 पीने हैं दिन में। बॉटल से मेरे को मतलब हाँ ईजी होता है कि हाँ भाई बॉटल रखो और पी लो, बट मेरे को अभी वैसे वही चीज़ ना अच्छी लग रही है, मेरे को प्यास लगती है मैं किचन में जाती हूँ ग्लास लेकर आती हूँ बैठती हूँ और पीती हूँ, तो अभी मैं यही पी लूँगी। इसके 1.5 घंटे के बाद अराउंड 6 बजे मैं मेरा इवनिंग टी लेती हूँ डेफिनेटली, विदाउट इवनिंग टी मेरा सर हैवी होता है, बट मैं अभी कोशिश कर रही हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी छोड़ दी थी चाय, उसकी जगह मैं दूध पी रही थी।
ये मेरे लिए बहुत हैवी एक हो जाता है कि मैं चाय नहीं छोड़ सकती। बट लास्ट टाइम मेरे को मतलब मैंने की थी कोशिश, और अभी लेकिन मैं बहुत कम चाय लेती हूँ, उसके साथ मैं सिर्फ जैगरी लेती हूँ, दूध कम दूध वाली चाय लेती हूँ, और जो लो फैट मिल्क होता है वो लेती हूँ, पानी ज़्यादा रहता है दूध कम रहता है। तो उस तरह से भी आप लोग कर सकते हो जो टी लवर है मेरी तरह, मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ। हाँ यही है, थक गई बोल बोल के। तो चले मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।